આજરા આમી સમી કાર્યક્રમરા આપણા ખાસ મહેમાને પ્રોફેસર કે એલ કમલ કમલ સાહેબ આપણે આજકાલ જો શિક્ષારો સ્તર હે વિશેષ કરીને ઉચ્ચ શિક્ષારો હાયર એજ્યુકેશન રો એને અચ્છી બનાવવા ખાતર આપણે ઓર કઈ ઉપાય કરના ચાહીએ જબ આપણે આધુનિકરણ કી બાત કરા તો શિક્ષા કે બિના આધુનિકરણ કી કલ્પના ભી આપકો નહીં કર સકા जका भी राष्ट्र आगे बढ़िया है वह शिक्षा और शोध के माध्यम से आगे बढ़िया है। आप सही फरमा रिया हो कि स्तर गिर मिलो है बिल्कुल। एक तो बहुत बड़ो कारण है कि आपने संसाधन तो आत को नहीं और जनतंत्र की स्थापना के पाछे हर व्यक्ति हर वर्ग जका कदे वर्षा सू प्राइमरी स्कूल में भी को नहीं गया बांगा बच्चा अब उच्च शिक्षा की तरफ आगे आ रहा है। अच्छी बात भी है और एक अवसर भी है लेकिन चुनौती भी है। चुनौती यह है कि कत्तो गैप है आपने। अब एक धनी व्यक्ति को बेटो कंप्यूटर से स्टार्ट कर सी और एक गरीब को बच्चों जो है वो स्लेट और पेंसिल से स्टार्ट कर सी तो गैप बहुत ज़्यादा है। टैगोर सही किया करता है कि अपना देश के मायने कई शताब्दियाँ एक साथ रह रही है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो गैप है मतलब तो जबरदस्त है तो कहीं करा तो परिस्थिति ज्ञान की है। दूसरी बात है क्या है कि जनसंख्या को बढ़ते प्रभाव के जो संसाधन सिमरता चला जा रहा है और भी की वजह से शिक्षा के उपराने व्यय और देशों के मुकाबले बहुत कम हो रही है। अब कई यहाँ का देश जो आपने से बहुत पिछड़ा रहा है वह भी शिक्षा की तरफ तो ज़्यादा जोर दे रहा है और दुर्भाग्य की बात तो है मैं कोई आलोचना कोई भी को नहीं करूँ लेकिन सही बात है कि जहाँ का हाथ कमाने नीति निर्धारण है वह लोग उच्च शिक्षा ने जो की है वो एक्सपेंडिचर मान करके चाले कि व्यय कर रहा हमें बिन इन्वेस्टमेंट को नहीं माने तो बाकी सोच के मायने अंतर आना चाहिए। मैं तो मानूँ कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के मायने वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो शिक्षा को है। आप फैमिली प्लानिंग की बात करो आप और बात करो शिक्षा यदि है तो बहुत सारी समस्या आपने सामने आ गई बनी और विज्ञान की शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मारो कहबा का मतलब ये है कि क्वालिटी इम्प्रूव करवा के लिए एक तो विदेशों से आप संपर्क करना चाहिए कि भाई कहीं पढ़ा रही आप कहीं पढ़ा रही बाका टीचर्स कहीं काम कर रही आप कहीं कर रही हैं बाकू सिलेबस कहीं है आपनों सिलेबस कहीं और अपना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता कहीं है भी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा ने जोड़ना चाहिए। जब विदेशों में मैं देखा कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है भाई इंडस्ट्रीज कहीं कर सी कि भाई एक कोई प्रोजेक्ट दे देसी यूनिवर्सिटी मान लो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट दे दो भाई एक उपरांत शोध करके माने दो और भी उपरांत पैसा खर्च कर सी तो बाकी यूटिलिटी है। तो इस दृष्टि से समाज की आवश्यकता सू या समाज सू शिक्षा ने सीधा जोड़वा की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और एक बात और एक एग्जामिनेशन सिस्टम आपने तो पुराना हो गया वो एक ट्रू टेस्ट को नहीं नॉलेज को टेस्ट को नहीं केवल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत फर्क है। तो एक नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन जो आप बात सोचा तो मैं सोचूँगी धीरे धीरे कहना आप भी कदम बढ़ सकें लेकिन निराश होगा की आवश्यकता होनी आपने देश के मायने आप देखो आज़ादी के पाछे बहुत काम हुए है लेकिन बहुत काम करना बाकी भी है क्यों और देश काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो भी दृष्टि सू एक जी मैं आपने अर्ज करी कि शोध के उपराने जत्तो आप जोर दे सियाँ भी सुन देश की तरक्की हो सी और भी के लिए लेबोरेटरीज आपने खूब अच्छी डेवलप्ड होनी चाहिए आधुनिक उपकरण होना चाहिए और हाँ सबसे बड़ी चीज़ की मैं समझूँ जिसको घटो है अपना देश के मायने वह है कार्य संस्कृति आपने नष्ट होगी। तो कार्य संस्कृति को जब तक आगे विकास नहीं बोलो आप आगे को निपट पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।